छत्तीसगढ़ के कोरिया में तीन तलाक का मामला प्रकाश में आया है। अब तक जिले का ये दूसरा मामला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति अपने ससुराल में आकर मायके में रह रही पत्नी को तीन बार तलाक कहकर अपने घर वापस लौट गया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस को शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। बताते चले कि आवेदिका रेहाना कुरैशी निवासी डबरीपारा बैकुंठपुर ने पुलिस को शिकायत की थी। उसने शिकायत में बताया कि उसका विवाह करीब 10-12 वर्ष पूर्व सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार एजाज कुरैशी निवासी पेंड्रा मस्जिद मोहल्ला के साथ हुआ था। दोनों के दाम्पत्य जीवन से 4 संतानें हैं। वर्ष 2013 से इसके पति एजाज कुरैशी इसे प्रताड़ित करने लगा। आवेदिका अपने पति से तंग आकर अपने मायके बैकुंठपुर चली आई और आवेदिका पेंड्रा आ जाकर रहने लगी। आवेदिका ने अपने पति के विरुद्ध थाना बैकुंठपुर में धारा 498 भारतीय दंड विधि का अपराध पंजीबद्ध कराया, जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। शिकायत में बताया गया कि आवेदिका के पति आवेदिका के मायके में जाकर तलाक देने के लिए धमकाने लगे। आवेदिका के द्वारा तलाक देने से मना करने पर आवेदिका के पति एजाज कुरैशी के द्वारा एक तरफा तलाक देता हूँ कहकर तीन बार तलाक कहकर अपने घर पेंड्रा चला गया। बताते चले कि पुलिस ने आरोपित को शिकायत के आधार पर काबू कर लिया है। वहीं इस बारे में उप पुलिस अधीक्षक धीरेंद्र पटेल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बैकुंठपुर शहर के डबरीपारा मोहल्ला निवासी आवेदिका रेहाना कुरैशी पति एजाज कुरैशी ने 18 जनवरी को सिटी कोतवाली में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका विवाह करीब 10-12 वर्ष पूर्व सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार एजाज कुरैशी निवासी पेंड्रा मस्जिद मोहल्ला के साथ हुआ था। दोनों के दाम्पत्य जीवन से 4 संतानें भी हुई। इसी बीच वर्ष 2013 से पति एजाज कुरैशी आवेदिका को प्रताड़ित करने लगा, जिसे परेशान होकर महिला अपने मायके बैकुंठपुर डबरीपारा चली गई। इस बीच आवेदिका अपने ससुराल पेंड्रा बीच बीच में आना जाना करती थी। इसके बाद भी जब पति द्वारा प्रताड़ना ज्यादा होने लगी, तभी वर्ष 2018 में आवेदिका ने अपने पति के विरुद्ध सिटी कोतवाली बैकुंठपुर में 498 भारतीय दंड विधि का अपराध पंजीबद्ध कराया। ये प्रकरण फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। इसी बीच बीते 17 जनवरी 2021 को आवेदिका का पति बैकुंठपुर आकर महिला को तलाक के लिए धमकाने लगा, लेकिन आवेदिका द्वारा तलाक देने से इनकार करने पर पति द्वारा एक तरफा तीन बार तलाक कहकर तलाक दे दिया गया, जिस पर महिला ने अपने पति के इस कृत्य को लेकर सिटी कोतवाली में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। वही मामले की विवेचना की जा रही है, जिसके बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। उल्लेखनीय है कि शहर में तीन तलाक के मामले में पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार करने में देरी नहीं की है। कोरिया से संवाददाता राजू शर्मा की रिपोर्ट। मैं यहाँ पर बैठे मेरे 5 साल होने जा रहे, 5वां साल लग गया है मुझे। 2.5 साल तक हम लोग कुछ भी नहीं किए, कोई केस नहीं किए कि शायद समझौता हो जाएगा। बहुत समझाने की कोशिश किए लेकिन वो लोग नहीं माने। उसके बाद अभी 1.5 साल से हम लोग केस किए और केस चल ही रहा था। इसी दरमियान उन्होंने शादी कर ली और वो 17 तारीख को संडे के दिन वो आए यहाँ पर और वो बोले कि क्या बोलते हैं, गाली गलौज करने लगे। मैं मना की उनको कि बच्चे हैं यहाँ पर, घर में मेरे कोई नहीं था, पापा भी नहीं थे और भाई अपनी फैमिली लेके बाहर गए थे, तो मैं मना करी लेकिन वो नहीं समझे। और उसके बाद वो बोले मैं शादी कर लिया हूँ और मैं तेरे से तलाक लेने आया हूँ। तो मैं बोली मेरे 4 बच्चे, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे बच्चों को लेके तुम चलो गाँव पेंड्रा, मैं वहीं रहूँगी। वो बोले मैं नहीं रखूँगा अब तेरे को, मैं शादी कर लिया हूँ, उसकी पार्टी पेंड्रा में दे दिया हूँ मैं, और तू तलाक देगी तो ठीक है, नहीं तो मैं तुझे एक तरफा तलाक देता हूँ। और वो तलाक 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 बोल के चले गए। उनका नाम है एजाज रसूल, वो पेंड्रा में रहते हैं। रेहाना कुरैशी, लगभग 12 साल पहले इनकी शादी हुई थी पेंड्रा के एजाज कुरैशी से। इनके बीच में पारिवारिक जो इनका वैवाहिक जीवन था, इसमें 2013 से इनका विवाद शुरू हुआ था और 2018 में इन्होंने अपने पति के खिलाफ प्रताड़ना के लिए भी FIR पंजीबद्ध कराया था, जो अभी माननीय न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। इसी क्रम में 17 तारीख को इसके पति एजाज कुरैशी पेंड्रा से यहाँ बैकुंठपुर आके, महिला अपने मायके में रह रही थी तो वहाँ आके तलाक के लिए धमकाने लगा, विवश करने लगा। जब महिला ने तलाक देने से मना किया, 4 बच्चे हैं उनके दाम्पत्य जीवन से, इन सबका हवाला देते हुए,
तो उसके पति ने एक तरफा 3 बार तलाक कहकर तलाक देकर चला गया। तो यह शिकायत पीड़िता का प्राप्त होने पर कल इसमें धारा 4-5 तलाक एक्ट के तहत पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आगे सर किस प्रकार की कार्रवाई होगी मामले पर? अब इसमें एविडेंस कलेक्ट करके विवेचना पूर्ण होने पर चार्जशीट फाइल करेंगे हम माननीय न्यायालय में। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.